नमस्कार दोस्तों, YouTube में आपका फिर से स्वागत है। मैं बोल रहा हूँ मुकेश कुमार, अपने चैनल एम्बिशन ट्यूटोरियल एंड कंसल्टेंसी से। आज का वीडियो कंपटीशन सीरीज पर आधारित है। आज हम चर्चा करेंगे सामान्य ज्ञान के वह 50 प्रश्न जो कभी न कभी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आगामी महीनों में रेलवे UPSSC का एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों इसमें 50 प्रश्न हैं और 50ों बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करूं, एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो आसानी से मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यह है दोस्तों प्रश्न। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको विशेष फायदा मिल सके। अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर एक से। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी भाग 20 के अनुच्छेद 368 में, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, आर्टिकल जो 356 है, आप यहाँ देख रहे हैं आर्टिकल जो 356 है, 356 जो अनुच्छेद है प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है। किसी राज्य में जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है इसी अनुच्छेद के अनुसार लगाया जाता है। और जो मेरे प्रश्न है, प्रश्न का सही जवाब है भाग 20 अनुच्छेद 368। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं, कौन होता है भाई? इसका सही जवाब होगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन बी। तीनों विंग के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वही होते हैं, यानी कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मैनेज्ड, या कहें तो डट फ्लोट। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, ये 1994 से अब तक चल रहा है। ठीक है, जो यह नियम है मैनेज फ्लोट जो व्यवस्था है, सिस्टम है, यह 1994 से अब तक चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी निवेशक या एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकता है या सकती है? तो यहाँ दोस्तों रिजर्व बैंक भी खरीद सकता है, एक व्यक्ति या इंडिविजुअल भी खरीद सकता है, या वित्त की फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी खरीद सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आप यहां देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि द्विमासिक, बाई मंथली। इसका फिनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी कि अभी जो मौजूदा वर्ष चल रहा है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों CPI संयुक्त, यानी CPI कंबाइंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या क्या आ गए हैं आपको दोस्तों? तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आ गए हैं इंडस्ट्रियल लेबर। ठीक है, CPI में, CPI का फुल फॉर्म क्या होता है? CPI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें क्या क्या आ गए? इंडस्ट्रियल लेबर, इंडस्ट्रियल लेबर, और दोस्तों क्या आ गए? एग्रीकल्चर लेबर AL और RL आ गए यहाँ पर। ठीक है, CPI औद्योगिक कर्मी जो देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल लेबर हो गए औद्योगिक कर्मी, एग्रीकल्चरल लेबर हो गए कृषि कर्मी, और यहाँ पर रूरल लेबर यानी कि ग्रामीण कर्मी। ठीक है, तीनों का ये संयुक्त फॉर्म है CPI कंबाइंड। ठीक है, WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा CPI संयुक्त, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की
उधार दर की गणना किस पर आधारित है, किस पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा धन का सीमांत व्यय, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, ऑप्शन सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि धन का सीमांत व्यय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्री चर को प्रभावित करता है? तो इसका जवाब क्या होगा? ठीक है, देखिए इसमें इसका जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, यानी कि ब्याज दर भी होता है इसमें, मूल्य स्तर, रोजगार, उत्पादन, ये सभी होते हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसमें ऑप्शन ई होगा, इसका ऑप्शन ई होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किससे किसके समान मानी जाती है? तो यहाँ दोस्तों इसका उत्तर होगा निर्यात। ठीक है, ऑप्शन डी। निर्यात क्यों होगा हम बताते हैं, क्योंकि जब विदेशी हमारे देश में आते हैं तो हमारे जो मॉन्यूमेंट्स, हमारे जो जितने भी प्राचीन क्लास संस्कृति है उसको देखकर अपने आँखों में ले जाते हैं और उसके बदले में पैसा देते हैं, तो वो निर्यात के समान हुआ। ठीक है, निर्यात में क्या होता है, हम सामान विदेश में भेजते हैं, वहाँ से हमको उसका पैसा मिलता है, तो वो हमारे देश में आकर हमारे चीज़ों को देख कर जाते हैं और बशर्ते में पैसा देते हैं, तो ये निर्यात की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नौवा का क्या हुआ, डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा राजस्व व्यय, यानी कि ऑप्शन ए, राजस्व व्यय। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है, यानी कि भारत सरकार के किस खाते में यह जाती है? ठीक है, जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है, खासकर इंडियन पोस्ट ऑफिस, ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस में आईपीओ वगैरह जो मिलते हैं, पोस्टल ऑर्डर मिलते हैं जो, तो उसके उससे जो उसको जो बेचा जाता है, उसका जो पैसा आता है, वो भारत सरकार के किस खाते में जमा होता है? तो उसका सही जवाब होगा भारत का सार्वजनिक खाता, यानी कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति, ऑप्शन ए। वस्तु एवं सेवा कर, इसको हम जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है? ठीक है, उसका क्या अर्थ है, यानी 13 का क्या होगा? तो ए, ऑप्शन ए होगा, वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहे हैं। ठीक है, यानी कि अन्य भाषा में बोलें, द रेट एट विच टैक्स रेवेन्यू फॉर ए स्टेट विल रिमेन, स्टेट एंड सेंट्रल विल रिमेन सेम बिफोर जीएसटी। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है। ठीक है, आपने फिनेंशियल वर्ष सुना होगा, अब यहाँ पर हम कृषि फसल वर्ष सुन रहे हैं। ठीक है, तो कृषि फसल वर्ष की क्या अवधि होती है? तो इसका सही जवाब होगा, यानी कि 14 का जो जवाब होगा, 1 जुलाई से 30 जून। ठीक है, ऑप्शन डी, 1 जुलाई से 30 जून जो होता है कृषि फसल वर्ष की अवधि मानी जाती है। फिनेंशियल, भारत की फिनेंशियल वर्ष की अवधि कौन सी मानी जाती है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 जनगणना के अनुसार क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, थर्ड, यानी कि तृतीय, ऑप्शन ए। ठीक है, प्रथम कौन है, यूपी है। ठीक है, प्रथम जो है, फर्स्ट जो है यूपी है, सेकंड कौन है, सेकंड जो है महाराष्ट्र है, फोर्थ जो है वेस्ट बंगाल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा रोहतास, लेकिन रोहतास में जो साक्षरता दर है,
वो 73.37 है, ठीक है। यहाँ पर होगा 73.73% है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया है 75.59%, और एक और ऑप्शन है जिसका दिया है 70%, तो इसका सही जवाब होगा 73.73%। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना करने का ठेका मिला है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जीई एंड अल्स्टॉम, ठीक है, जीई एंड अल्स्टॉम, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो अभी अभी इसका स्थापना जो हुई है बिहार जिला के बक्सर जिला का राजपुर, बिहार के बक्सर जिला का राजपुर, यानी ऑप्शन ए। इसका मुख्यालय जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है नागपुर में है। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने की? ठीक है, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने की? तो रामचंद्र सिन्हा, 1983 में पटना बिहार में इन्होंने स्थापना की। रामचंद्र सिन्हा 1983 में इन्होंने की, कहाँ पर? पटना बिहार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिहार में लीची उत्पादन है भारत का कितना परसेंट? ठीक है, भारत के उत्पादन का कितना परसेंट है? तो इसका सही जवाब होगा सी, ठीक है, भारत का उत्पादन का 74%, यानी 74%। सेकेंड पोजीशन किसका है दोस्तों? तो वेस्ट बंगाल का है। थर्ड पोजीशन त्रिपुरा का है, ठीक है, लीची उत्पादन में थर्ड पोजीशन त्रिपुरा का है, सेकेंड पोजीशन वेस्ट बंगाल का है, और फर्स्ट पोजीशन बिहार का है। बिहार अकेले भारत के उत्पादन का 74% उत्पादित करता है लीची, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, तुहफत उल मुआहिदीन, ठीक है, इसका सही जवाब होगा तुहफत उल मुआहिदीन। लेकिन इस पुस्तक को लिखा गया था 1800 इस पुस्तक को लिखा गया था 1804 में। यह पुस्तक पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है, इसकी इंट्रोडक्शन अरबिक लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। 1815 में आमित्य सभा का इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का संगठित किया, आत्मीय सभा को संगठित किया कोलकाता में, ठीक है। और एक बात और रोचक बात दोस्तों इसके साथ जुड़ी हुई है, राजा राम मोहन राय की जन्म कब हुई थी? तो 22 मई 1772 को 1772 को हुई थी, ठीक है दोस्तों। और एक महान संगठन है, एक महान मिशन है इनकी, जिसका नाम है ब्रह्मो समाज। इसकी स्थापना हुई थी 1828 को, ठीक है, 1828 की इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, इससे बहुत सारे प्रश्न जुड़ी हुई है, इसमें कन्फ्यूज़न यही है कि 1804 में इस पुस्तक को लिखी गई थी और प्रकाशित हुई 1815 को, ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है। 1804 में इस पुस्तक को लिखी गई थी और 1815 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, ठीक है, पहली प्रकाशन 1815 में हुई थी। इसका सही जवाब तुहफत उल मुआहिदीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका सही जवाब होगा जौनपुर के करामत अली ने, ठीक है। सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे? इसका सही जो होगा शिबली नोमानी। शिबली नोमानी जो व्यक्तिगत तौर पर, इनका जन्म यूपी के आजमगढ़ जिले में हुआ था, ये सर सैयद अहमद खान के कटु आलोचक थे। इनका विरोध अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1993 में 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था, तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है दोस्तों? गुजरात के दादा अब्दुल्ला, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1904, यानी कि ऑप्शन सी 1904, ठीक है। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन का अपॉइंटमेंट 1902 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं इससे जो रिलेटेड है, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन
का गठन 1902 में हुआ था और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में पारित हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजियस प्रश्न है। इसमें आप देख सकते हैं दीनबंधु मित्र, ऑप्शन ए देख सकते हैं, दीनबंधु मित्र दिया हुआ है, लेकिन दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक, जो नील दर्पण का लेखक है दीनबंधु मित्र, बंगाली में इन्होंने लिखा है। ठीक है ठीक है। माइकल मधुसूदन दत्त, इसका सही जवाब होगा माइकल मधुसूदन दत्त, इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, किसके किसके प्रोविज़न में किया ये? तो जेम्स लॉन्ग के प्रोविज़न में माइकल मधुसूदन दत्त ने नील दर्पण का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा माइकल मधुसूदन दत्त, यानी कन्फ्यूजन है यहाँ पर दीनबंधु मित्र, जेम्स लॉन्ग और माइकल मधुसूदन दत्त। तो आपको दूर कर देता हूँ, माइकल मधुसूदन दत्त ने जेम्स लॉन्ग के प्रोविज़न में नील दर्पण नामक बंगाली नाटक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, यानी कि नील दर्पण के जो बंगाली संस्करण है उसके रचयिता हैं, उसके लेखक है दीनबंधु मित्र। ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? माइकल मधुसूदन दत्त, और किसके प्रोविज़न में किया? जेम्स लॉन्ग के प्रोविज़न में। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो ये कथन है टी वी मैकाले के, ब्रिटिश के ये ब्रिटिशस थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में हुई थी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो लाला लाजपत राय, लाल चंद एंड सादी लाल ने की थी। ठीक है, इसका पहला सेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, जिसके अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो हरदोई, बहराइच और सीतापुर के ग्रामीण इलाकों में एका आंदोलन चलाया गया था 1921 के दौरान। ठीक है, और इसके संचालक थे मदारी पासी। ठीक है, मदारी पासी इसके संचालक थे। तो हरदोई, बहराइच और सीतापुर, यहाँ देख सकते हैं हरदोई, बहराइच और सीतापुर जो है यूपी में है, बिहार पंजाब बंगाल में नहीं है, तो यूपी में है। ये खासकर अवध क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी। ठीक है, खान अब्दुल गफर खान द्वारा स्थापित खुदाई खितमगार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा रेड शर्ट, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकार को किस नाम से भी जाना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा वेथी। ठीक है, बेगार को वेथी भी कहते हैं। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए, तब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहें, यह किसने कहा था? यह कथन किसका है? यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का, जिन्होंने लाहौर में दिसंबर 1929 में इस बात को कही थी। ठीक है, लाहौर में 1929 में इस बात को कही थी। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? कुंवर सिंह ने कहा था, क्योंकि कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सिंह बोंगो, लेकिन बहुत लोगों ने धरती आबा मारा है, धरती आबा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि धरती आबा बिरसा मुंडा को का दूसरा नाम है। बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा गया है, लेकिन अवतार की बात कर रहा है, अवतार यानी कि सिंह बोंगा जो हैं आदिवासियों के देवता हैं। ठीक है, सिंह बोंगा का मतलब होता है सूर्य भगवान, सिंह बोंगा का मतलब होता है सूर्य भगवान। तो बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें सिंह बोंगा के अवतार मानते थे, और उनका दूसरा नाम धरती आबा था, तो धरती आबा नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा सिंह बोंगा। ठीक है, यहाँ अवतार की बात कर रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर अवतार की बात कर रहा है, तो अवतार सिंह बोंगा के हैं, और बिरसा मुंडा को आदिवासी लोग धरती आबा के नाम से पुकारते थे। ठीक है, दोनों में अंतर है, तो इसका सही जवाब होगा सिंह बोंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लिंक नामक स्थान की स्थापना हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा देवघर। ठीक है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा दी बिहार हेराल्ड। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो दोस्तों 1928 में बिहार नहीं था, ठीक है, उस समय बंगाल था, और जगजीवन राम ने कोलकाता में 1928 में कोलकाता में रविदास सभा का गठन किया था। याद रखिएगा दोस्तों, कोलकाता में इसका गठन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था 1928 में जगजीवन राम के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा जगजीवन राम, ऑप्शन सी। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? इसका सही जवाब होगा तवना, तवान। ठीक है, इसका सही जवाब होगा तवान। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? ठीक है, पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पटना में। ठीक है, पटना में खोला गया था दोस्तों। तो पटना में कब खोला गया था? जुलाई 1835 को खोला गया था, जुलाई 1835 को खोला गया था। वैसे तो पहला इंग्लिश स्कूल, अंग्रेजों ने पहला इंग्लिश स्कूल किशनगंज में खोला था, लेकिन जिला स्कूल की यहाँ बात कर रहा है हो रहा है दोस्तों। तो जिला स्कूल, जो पहला जिला स्कूल स्थापित हुआ वो पटना में हुआ 18 जुलाई 1835 में। ठीक है दोस्तों, इसी जिला स्कूल को आज के डेट में पटना कॉलेज के सेंट्रल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन थे? तो 1923 में पटना के चेयरमैन थे ये, 1930 में ये पटना के चेयरमैन थे। इसका ऑप्शन होगा पटना नगर पालिका के चेयरमैन। पटना नगर पालिका से पटना नगर निगम कब बना? 1952 में बना दोस्तों, 1952 में बना। 1923 में पटना नगर पालिका चेयरमैन बने राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, एक साल रहे हैं। उनके साथ में वाइस चेयरमैन कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह थे। चूंकि यह चुनाव खुर्शीद हसनैन ने जीते थे, लेकिन खुर्शीद हसनैन ने राजेंद्र बाबू को पटना नगर पालिका के चेयरमैन बनने के लिए प्रेरित किए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब होगा श्रीरंगपट्टनम। ठीक है दोस्तों, एक और बात, टीपू सुल्तान के बारे में अगर बात हम करें तो टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था? 20 नवंबर 1750 को हुआ था, 20 नवंबर 1750 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 4 मई 1799 को। ठीक है, ये राजगद्दी पर कब बैठे थे? 1782 को ये राजगद्दी पर बैठे हैं। ठीक है, ये किनके पुत्र थे? ये हैदर अली के पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन होगा श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा राज्यपाल। ठीक है, 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा की नोट देनदारी किसकी होती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यानी RBI की होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? ठीक है, तो ये दोनों का उदाहरण है। ठीक है, अपघर्षण और भूक्षरण। ठीक है, यानी कि एब्रेशन और इरोजिन दोनों से बनता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन हो सकता है ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद की है? तो ज्वालामुखी से जो उत्पन्न होता है, उत्पाद मिलता है, जो प्राप्त होता है, वो एटॉल है। सबसे महत्वपूर्ण है एटॉल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर ए और बी जो है सही है। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? इसका उत्तर हो सकता है ऑप्शन ई। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? ठीक है, खगोलीय इकाई है, तो ये है पृथ्वी और सूर्य। उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा आइंस्टीन। उन्होंने सूत्र दिया था E=MC², इसी के आधार पर कहा गया था पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, गैल्वेनिक सेल और ईंधन सेल। तो इसका क्या हो सकता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो सकता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो सकता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है। तो इसका सही जवाब होगा अधिवृक्क, एड्रेनल ग्लैंड, यानी कि ये किडनी, जो दोनों किडनी होता है उसके ऊपर होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पूरी देखी होगी, ठीक है, पूरी देखी होगी और आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक्स ज़रूर कीजिएगा और साथ में कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि इस ये वीडियो आपके लिए कितना अच्छा साबित हुआ है। ठीक है दोस्तों, और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी विशेष फ़ायदा मिल सके, विशेष लाभ मिल सके। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।